हे गाइस और कमाल की वीडियो में का स्वागत करते हैं भाई। Redmi Note 11 सीरीज को बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट भी निकल के आ चुका है एंड इसका ऑफिशियल लुक भी निकल के आ चुका है। तो भाई आप जैसे देख पा रहे हो भाई, ऐसे आपको फ़ोन मिलेंगे Redmi Note 11 सीरीज में एंड भाई बहुत ही कमाल के फ़ोन होने वाले हैं। इस बार बहुत कुछ अपग्रेड आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो भाई सबके ऊपर बात करेंगे। एंड Note 10 सीरीज के हिसाब से भाई Note 11 सीरीज में आपको बहुत ज़्यादा अपग्रेड देखने के लिए मिल जाएंगे और भाई इसका प्राइसिंग भी थोड़ा सा हाई हो सकता है। तो भाई सबके ऊपर बात करने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या रहने वाला है एंड कितने फ़ोन आने वाले इस सीरीज़ में, तो भाई सबके ऊपर बात करेंगे। एंड ये कब तक लॉन्च होने वाला है, ऑफिशियली लॉन्च डेट निकल के आ चुका है तो भाई वो भी आपको बताने वाले। तो सब कुछ जानने के लिए लास्ट तक देखते रहिए एंड वीडियो अच्छे लगे तो जरूर से एक लाइक कर सकते हो अपने भाई के लिए। एंड भाई चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे वीडियो सबको आगे भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो भाई ज़्यादा बताने करेंगे, शुरू करेंगे। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे इस Redmi Note 11 सीरीज़ में आपको कितने फ़ोन देखने के लिए मिलेंगे। Redmi Note 11 सीरीज़ में आपको टोटल 3 फ़ोन देखने के लिए मिल जाएंगे, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 Pro 5G एंड Redmi Note 11 Pro Plus 5G। एंड ये बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले JD.com चाइना का JD.com वेबसाइट पे इसको लिस्टिंग कर दिया गया है। तो भाई बहुत ही जल्दी ये लॉन्च होने वाला है, ऑफिशियल लॉन्च डेट तो बताने वाला हो तो भाई लास्ट तक देखते रहिए। एंड भाई इसका रिटेल बॉक्स भी निकल के आ चुका, आप जैसे देख पा रहे हो ऐसे रिटेल बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड बात करेंगे इसके कुछ मेन हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में। जैसे दो ही फोन के इधर कुछ लीक्स निकल के आ रहे, स्पेक्स के लीक्स निकल के आ रहे, जैसे Redmi Note 11 जो वेनियल वेरियंट होने वाला है उसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेंगे 810 मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 के प्रोसेसर मिलेंगे जो एक 5G प्रोसेसर के साथ आता है। साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल सकता है, 5000 mAh की बैटरी हो सकता है, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड यही कुछ निकल के आ रहा है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस Redmi Note 11 5G के बारे में। एंड इसका जो वेरियंट होने वाला है, दो वेरियंट निकल के आ सकता है, 6GB 128GB 8GB 128GB के साथ ये फोन आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड अदर हैंड Redmi Note 11 Pro 5G जो होने वाला है उसमें आपको डायमेंसिटी 920 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएंगे जो भाई मीडियाटेक की तरफ से आने वाला है। एंड 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी रहेंगे, 5000 mAh की बैटरी रहेंगे, 67 या 120 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। भाई इधर अभी कन्फर्म नहीं है 67 या 120, मुझे लगता है 120 वाट का फास्ट चार्जिंग इधर आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड मैंने पहले बोला इसका प्राइसिंग थोड़ा सा हाई हो सकता है, बट देखेंगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा क्या प्राइसिंग के साथ आने वाला है, आपको जरूर से अपडेट कर देंगे। तो भाई स्टे ट्यून करते रहना मेरे चैनल पे। एंड इसमें आपको 8GB 256GB तो मिलने वाला है, 6GB मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। एंड कुछ ऐसा ही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है तो भाई उसके बेस पे आपको बताया है। तो भाई देखेंगे जब भी कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएंगे इसके स्पेक्स को लेकर तो आपको जरूर से बताएंगे। तो भाई इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे भी आपको आगे भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और भाई इसमें आपको सेंटर फंक्शनल सेल्फी कैमरे मिलेंगे जो तीनों फोन है, एंड साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट भी मिल जाएंगे, आयर ब्लास्टर रहेंगे, JBL डुअल स्पीकर के साथ आने वाला है, तो भाई आपको साउंड मस्त मिलने वाला है, 3.5mm हेडफोन जैक भी आपको मिलने वाला है। तो भाई इसको रखा गया है इस सीरीज में। एंड Redmi Note 10 जैसा पॉपुलर हुआ था ये भी सीरीज बहुत ही पॉपुलर होने वाला है। जब भी इसका ऑफिशियल स्पेक्स निकल के आ जाएंगे तो भाई सब कुछ मालूम चल जाएंगे। एंड इसमें आपको मैट्रिक्स कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेंगे, पीछे आपको 3 कैमरे मिलेंगे, ठीक है। तो कितने मेगापिक्सल का मिलेंगे उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएंगे आपको जरूर से बताएंगे। शायद 64 तो होने वाला है, ऐसे ही कुछ ऑफिशियल स्पेक्स निकल के आ रहा है, ठीक है। और भाई ये कब तक लॉन्च होने वाला है, ये सबसे पहले चाइना में लॉन्च होने वाला है, 28th of October को इसको चाइना में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। एंड ये इंडिया में भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, कब तक आएंगे उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जब भी आएंगे आपको अपडेट दे देंगे। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड जैसे मैंने बोला JD.com पे ये लिस्टिंग भी हो चुका है। तो भाई ये था इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कैसा लगा फोन, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो। कुछ भी गलत बोल दिया, कुछ भी सुझाव है इस फोन के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो। तो भाई वीडियो इतना ही था, चलते मिलते किसी नेक्स्ट और कमल के वीडियो तो के लिए। बाय बाय।